अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए, किसके लिए, एक स्पेशल रेसिपी। इसके लिए हमने जेली चॉकलेट्स को ले लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के, और थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर और शुगर को भी हमने ले लिया है। हम बना रहे हैं आज जेली चॉकलेट कस्टर्ड डिलाइट, बच्चों के लिए स्पेशल रेसिपी है ये। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। फ्रेंड्स, अब हम कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा मिल्क डाल के पतला सा बैटर बना लेते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, हमने कस्टर्ड का इस तरह सा पतला सा बैटर बना लिया है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने दूध को ऑलरेडी बॉइल किया हुआ है और हम इसमें कस्टर्ड के जो हमने बैटर बनाए हैं उसको हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, आप बच्चों के लिए बहुत इजीली बना के दे सकते हैं और बच्चे भी पसंद से खाएंगे। ये देखिएगा फ्रेंड, हमें कंटिन्यूसली इस तरह स्टिर करते रहना है, बहुत जल्दी ये बैटर हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ी सी शुगर मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा हमारी शक्कर भी अच्छी तरह घुल के पक चुकी है, हमारा बैटर हमें इस तरह ही चाहिए था। अब हम स्टोव ऑफ करके इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने इस तरह का एक बॉल ले लिया है और हम इसमें जेली चॉकलेट्स ले लेंगे। इससे नीचे की लेयर में हम जेली चॉकलेट्स ले लिया है। अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड की एक लेयर हम बना लेंगे। और इसके ऊपर हम बादाम से, इस तरह मैंने बादाम को क्रश कर लिया है, इस तरह हम ऊपर का एक लेयर बना लेंगे। इस तरह हम गार्निश कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने ऊपर की लेयर में इस तरह बादाम से हमने गार्निश कर लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसे हम अब 2 आवर्स के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम ठंडा ठंडा इसको सर्व करेंगे, इससे ये बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप मेरे वीडियोस को नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।